हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग भी एक ट्रैवल ब्लॉग ही है, क्योंकि भाई आया हुआ है तो हम लोग घूम ही रहे हैं, और कोई और एक जन हमारे घर में अभी आए हैं तो उनसे भी मिला देते हैं। तो मेरे हस्बैंड के साले साहब और एक जन आ गए हैं, तो रुकिए आपसे मिलाते हैं। तो इसलिए अभी का ब्लॉग सब ट्रैवल ब्लॉग ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग घूमते रहेंगे और वही सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने एक ड्रेस पहना है, जो कि बाद में ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा कि मैंने क्या पहना है। और उसके बाद मैं, चलिए पहले जो नए मेहमान आए हैं उनसे मिलाती हूँ आप लोगों को, फिर बाकी लोगों को दिखाऊँगी। तो ये रहा मेरा और एक भाई, छोटा भाई है, मतलब मुझसे छोटा है, तो मेरा कज़िन है, इसका नाम है देवांजन। तो ये कल ही आया है, तो आज हम लोग फिर घूमने जा रहे हैं। और आइए जनाब, ये रहे मनोजीत। हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सब। हाँ बिल्कुल, रुकिए आ जाओ एक सेकंड, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा भाई क्या कर रहा है। ये रहा भाई, तो ये तो जा ही रहा है, ये रेडी होके यहाँ पे बैठा हुआ है। ये है देवांजन, तो ये भी रेडी हो गया है, दोनों भाई रेडी। मैं तो हुई आपके, ये भी रेडी। तो अभी हम तीनों चारों जन निकल रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आपके साथ तो जरूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए, चलिए घूमने निकलते हैं। निकल चुके हम लोग सारे रेडी होके, और अभी हम लोग ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेके डायरेक्ट हम लोग जाएंगे चर्चगेट स्टेशन, फिर वहाँ से प्लान करेंगे कहाँ जाना है। पहुँच गए हैं हम लोग चर्चगेट स्टेशन, तो अभी कहाँ जाएंगे तो नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? जाएंगे शायद गेटवे वगैरह, उधर जाएंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो शेयर तो करेंगे ही। और कैमरा वगैरह संभालते हुए, तो ये रहे आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो। हाँ, ये लोग बहुत मजा कर रहे हैं। ये लोग, आप लोगों को मजा आ रहा है क्या? तुझे मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा चलो चलो चलते हैं, निकलते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ले रहे हैं लाइम सोडा, गर्मी लग रहा है इसलिए पियेंगे थोड़ा। रिफ्रेशिंग लग रहा है ना। चर्चगेट स्टेशन से निकलने का बहुत सारा रास्ता है, तो एक रोड ऐसा है जो अंडरग्राउंड होके जाता है, और वहाँ पे देखिए कितना अच्छा मार्केट बैठा है, दोनों तरफ बहुत सारे चीज़ें लगे हुए थे, तो अच्छा ही लगा मुझे देख के। तो फिर हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए और आके हम लोगों ने एक टैक्सी ले लिया, और हम लोग अभी जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, फिर पहले गेटवे घूमेंगे और उसके बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं, तो इसलिए पहले टैक्सी कर लिया और डायरेक्ट अभी गेटवे चले जाएंगे। और
और ये रोड्स मुंबई के मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब ये जगह स्पेशली, यहाँ पे आने के बाद ये सब बड़े बड़े रास्ते और इतना अच्छा लगता है ना, सारा कुछ अच्छा सजाया हुआ जैसे लगता है। तो ये जगह पर्टिकुलरली मुझे बहुत बहुत पसंद है, मुंबई की ब्यूटी आप बोल सकते हो यहाँ पे। और देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए हैं गेटवे। मैं काफ़ी दिनों बाद गेटवे आई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं और मनोजीत जब निकलते हैं हम लोग मरीन ड्राइव ही चले जाते हैं, तो भाई लोग आए हैं इसलिए हम लोग यहाँ आए घूमने के लिए। और मुझे ये जगह भी अच्छा लगता है, और इस दिन काफ़ी मतलब क्राउड है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तो अच्छा ही लग रहा है। तो आपको पहले मैं एक 360 व्यू दिखा देती हूँ। इधर है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक राइट साइड पे है ताज, ओल्ड ताज, न्यू ताज, और ये पूरा जगह पे राउंड होके इस तरफ एंट्री है जहाँ से हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के इस प्रेमिस में एंटर करते हैं। और फिर यहाँ से राउंड होके इधर तो समुंदर है ही, यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, तो मैंने कोशिश की आपको पूरा 360 व्यू एक बार दिखा दूँ, होप आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे बैठने का जगह बना के रखा है गेटवे के सामने, तो वहीं पे हम लोग बैठने के लिए जा रहे हैं। और ठीक लेफ्ट साइड पे समंदर है, समंदर को घेर के ऐसे बैठने का जगह है, तो बहुत अच्छा लगता है बैठ के, समंदर की ठंडी ठंडी हवा का एंजॉय भी कर सकते हैं और व्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे सारे शिप्स आ रहे हैं, अच्छा लगा। और यहाँ पे हम चारों अभी बैठे हुए हैं और बैठ के मज़ा ले रहे हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? हाँ, बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा और देखते हैं, शायद मरीन ड्राइव जाए। चलो चलो चलते हैं। और ये रहा मेरा पति। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं मरीन ड्राइव के लिए, और ये रहा ताज जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसका एक्सटीरियर भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है। और अभी हम लोग फिर से टैक्सी ले लिए और जा रहे हैं मरीन ड्राइव, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे, तो यही प्लान है। अभी आ गए हैं मरीन ड्राइव और यहाँ पे आके बैठे हुए हैं हम लोग। ये देखिए, फोटो वोटो खींचना चल रहा है और व्यू दिखा ही देती हूँ आप लोगों को। कैसा लग रहा है गाइस? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो अच्छा लगी गई, उन दोनों को बुलाओ तो थोड़ा। अरे ओ भाई, भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं तो एक और दिन आया था, ये नहीं, पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा, ओके एंजॉय।
यहाँ पे ना मास्क नहीं खोल सकते, ये एक मतलब है, तो मास्क पहन के ही बैठे हुए हैं और समुंदर के हवा का मज़ा ले रहे हैं। मेरा तो मुंबई में सबसे फेवरेट प्लेस यही बन चुका है अभी, मतलब जितना दिन मैं यहाँ आती हूँ मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सुकून भरा एकदम। तो अभी बैठते हैं कुछ देर, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद घर वापस जाएंगे। शायद और कहीं नहीं जाएंगे आज, वैसे बहुत हो गया है, अभी घर जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। आ गए हैं हम लोग वापस घर, आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गए हम लोग और मैंने तो थोड़ा शावर ही ले लिया क्योंकि इतना गर्मी हो गया है ना, तो मतलब अच्छा लग रहा है अभी। और बहुत मज़ा आया आज, बहुत घूमा हम चारों ने एक साथ, तो काफ़ी एंजॉय किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और भी सामने आने वाले हैं, तो इसलिए ज़रूर चैनल को देखते रहिए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।